गुड मॉर्निंग। तो आज पहली बार सुबह सुबह पीहू मेरे ब्लॉग में आई है, क्योंकि अब मैं जल्दी सो के जल्दी उठने लग गई हूँ ना। पीहू से हाय। हाय। तो हाँ, अब ठंड चली गई है, बस शाम को थोड़ी बहुत ठंड होती है। इतनी तेज धूप है ना, 2 मिनट भी बैठ जाओ यहाँ पे तो पूरा ऐसा जलने लगता है शरीर। तो यार, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज है क्या है, आज दिन वेंसडे। क्या तो अभी हम लोग सुबह सुबह उठे और बालकनी में आके बैठे, फिर पूछ रही थी धूप हो रही है, भूख भी लग रही है। तो पीहू मैं जा रही हूँ चाय वाय पीने थोड़ा बाहर, क्योंकि घर पे हमारे सिलेंडर भरा नहीं गया है, गैस खत्म है, तो हम घर पे कुछ बना नहीं रहे। तो बस अभी जस्ट जा रहे हैं। और मैंने सुबह उठ के ना बहुत सारा मॉइस्चराइजर आज अप्लाई किया फेस पे, क्योंकि मैं 2 दिन से ना मेकअप के साथ सो रही हूँ। कब मुझे नींद आ जाती पता ही नहीं चलता, और पूरे फेस मेकअप लगा रहता है, और पूरा मुझे लगता है कुछ दिन में ना खराब हो जाएगा। इतनी मुश्किल सारे दाने खत्म हुए हैं, बट अगर अब फिर से मैंने गलती करी तो फिर वही दाने वाने सब आ जाएंगे। तो चलो अभी चाय वाय पी के आते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। चल रही है क्या? फेंका है शीशा? फेंका किसी ने? ओ भाई साहब, मेरा मेरा मेरे घर के साइड में इतना कूड़ा पड़ा रहता है, देख रहे हो? और हमें हमेशा टोकते हैं कि आप कूड़ा मत फेंका करें। हमने इतना कूड़ा थोड़ा ना फेंका है 2 महीने में, और किसने इतना बड़ा मिरर फेंक दिया यार। वो तो जान दो, देखो सब कुछ कूड़ा में फेंक लो, बट भगवान की चीजें कभी भी कचरे में नहीं फेंकनी चाहिए। क्या इतना चुन्नी फेंकी है? इतना पूजा करती है, इनको समझ में भगवान जी के कपड़े हैं वो चुन्नी, तो क्या पता इन्होंने ना फेंका हो। वो भगवान जी की चीजें पड़ी है ना, तो उस चीज को बोल रहे पे हो। पर इतना कूड़ा हम नहीं कर सकते, हमें इतना टोकते हैं लोग कि तुम कूड़ा फेंकते हो। तो पूरे साल में रह ले इतना, इतना नहीं करेंगे यार। हमारे घर पे एक पेड़ आया हुआ है, बताओ घर पे पेड़ बरगद का पेड़ है। चलो चल रहे हैं, लेट हो जाएंगे। लेट्स गो। मैंने मैंने आज इसको बोला है कि आज मैं बाहर पब्लिक में आके बोलने का ट्राई करूँ। बोलती तो है पब्लिक में। नहीं, मेरे ब्लॉग में सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि मैं बोलती नहीं हूँ बाहर आके, पर मैं ट्राई करूंगी कि बाहर आके बोला तो। रूम में इतना बोलती हूँ, हाँ रूम में इतना बोलती हूँ कि सामने वाले को लेट हो जाता है। अभी अभी मैं फ्लैट पे थी, तो फ्रेंड थी मेरी वहाँ पे, अब उसे ना मैं कुछ कहानी बता रही थी, और मैं बोलना इतना शुरू हुई, इतना बोली कि उसका इंटरव्यू था और वो लेट हो गई। भाई साहब, फिर लास्ट में कहता है यार तूने मुझे लेट करा दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है तुझे पता है मेरा इंटरव्यू था 12:30 बजे और तूने 12:20 कर दिया है। मैंने कहा तू तो चुप करा देता। मैं कहता नहीं, अब तो इतने फ्लो में बोल रही थी तेरी कहानियाँ दूर ही रह जाती। हाँ, आज 4 दिन हो गए हमारा सिलेंडर नहीं भरा गया। इस लड़की को मैंने 2 दिन से बोल रही हूँ कि सिलेंडर भर दे, सिलेंडर भरने चल रहा है। नहीं कि हाथ ना उठा के लेके जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखो कैसे बैठी है। चाय पी ली हमने, तुषार भी पी के गया, और अब खाना भी खाएंगे है ना। बनाओगे कैसे? पर 1 घंटे के बाद तुषार आएगा, फिर गैस भरवाएगा वो। फिर तुम जाओगी ना भरवाने? जी नहीं, साथ में चलेंगे। आज चलें DLF तीनों, उसके आने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू? नहीं पता नहीं, अगर कॉल आ गई तो वहीं से निकल जियो ना, तैयार होके चलियो। ठीक है, पर चलते हैं थोड़ा बाहर, मन कर रहा है। ठीक है, अभी जाके पहले मैं अपना कमरा सेट करूंगी। अरे अभी ना इसका कमरा दिखाऊंगी मैं जाके, लिटरली। नहीं नहीं नहीं, आई नो वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर इस लड़की की हरकत है। 2 महीने से बोल रही हूँ इसे मैं, कमरा सही कर लो, कमरा सही कर लो, पर नहीं। पीहू बहुत गंदा कमरा, बस सेट करने का मन नहीं हो रहा। कमरा मेरा भी गंदा था, मैंने भी किया ना उसका कुछ अच्छा। तुम खराब चीजों को सही करती हो। मेरी जिंदगी में खराब चीजें नहीं हो रही है, सही जिंदगी सही नहीं कर पा रही, लेकिन बाकी हो जाएगी। ये शेर भैया इतने चोड़ में गए थे बोल के कि तुझसे नहीं हो रही, छोड़ मैं करता हूँ। और अब इनसे भी स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं होगी भैया, बेइज्जती करा रहे हो, मत करो, छोड़ दो। R15 थोड़ी ना जो स्टैंड से फर्क पड़ेगा। बताओ ना क्या खिला रहे हो? बोलो पो। 70-100 पैसे नौ है। अरे बाद में फुल कॉफी होगी। अरे भैया इतना थोड़ी ना, मैं कह रही हूँ पैसे नौ है। कह रहे कोल्ड कॉफी भी, मैंने कह रही इतना नहीं। बड़ा पाव, अरे बड़ा पाव तो खाने का मन भी नहीं है, बड़ा पाव खिला रहे। मेरे बैग में रखे हैं फ्रेंच फ्राइज, हमारे शेर भैया का मेन्यू, बहुत कुछ है इसमें खाने के लिए, पर कुछ पेट भरने वाली चीज़ क्यों नहीं है? सबसे पेट भर सकता है, बाकी पेट भरना चाहिए। तो
यार कभी कोई मन करता है कोई दाल चावल खाए, सब्जी दाल चावल घर नहीं, दाल चावल ऐसे खाती है। मुझे किसी का दाल चावल और चोखा याद आ रहा है यार सुबह से ही। दाल चावल ऐसे खाती अभी, अभी अभी मैंने और इसने ब्रश भी नहीं किया। नहीं सॉरी मैं नहीं कर गई। मैं नहीं कर गई। अरे यार ऐसा है क्या? मैंने नहीं किया। ये दिखती पतली दुबली है ये सिम्पटम। यार मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं पीहू को आज इंटरव्यू पे ले जाऊँ आयनाइजर, ठीक है, या हम लोग DLF घूम के। क्या आइडिया ज़्यादा अच्छा बताओ। मेरी मेरी बातें कंटिन्यू करने दो पहले। तारीफ करने वाली है। ये दिखती है एकदम सेम सी लड़की सेक्सी सी। इतनी इतनी तेज बोलती ना ये कि सारी आवाज़ चली जाती होगी उसमें ना। और आपको लगता होगा इसकी डाइट बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। सुबह ये पता नहीं क्या खाती है, लेकिन बिल्कुल बेकार है इसकी डाइट, बहुत बेकार। उसको दाल चावल दे दो इतना सारा और फ़ोन पकड़ा दो, बिग बॉस चला दो। कब ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी अगले दिन भी हो जाता है। और उसकी कभी कभी इतनी भूख लगती है इसको कि एक साथ 6-7 अंडे ब्रेड ऑमलेट खा लेती है। और वो लोग और जब नहीं खाती तो नहीं खाती, पूरे दिन कुछ नहीं खाती, और खाती तो इतना खाती है कि सामने वाला सोचता है इसको सच में भूख लगी थी, इसने कुछ खा लिया जिसकी वजह से ये बहुत खा रही है। हाँ मैं बहुत खाती हूँ। बहुत धूप है यहाँ पे। तो ये भैया बड़ा पाव देखे गए, मुझे ना एक टाइम पे बहुत पसंद था। कैसे टेस्ट? भूख भी तो लग रही है तुम्हें वैसे भी, है ना? अभी तो कुछ भी खा लोगी। और लिटरली मुझे ना बहुत रुखा रुखा सा लग रहा है, मन नहीं है खाने का। वही शिट मिर्ची खा लिया, दोनों हो जाएंगे। मेरी मेरी तो खुली नहीं रही, इतनी छोटी सी आंखें हो गई। अभी मुझे बड़ा वो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत रूखा रूखा सा लग रहा है। इसमें ये देखिए कितनी मिर्ची डाली है, ये देखिए। ओए भाई साहब हरी मिर्ची, पहली बात है ये मिर्ची नहीं है। ये देखिए ये क्या है? ये मिर्ची नहीं है। तो ये गार्लिक पाउडर है ये। बस चुप रहे, कसम से बता रही हूँ, मजाक नहीं उड़वा रही, पूछ लो आप क्या इसको दिखा रही है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा। वो इसमें कुछ काला काला जला हुआ लगा है, वो उस पर लगा हुआ है। बताती हूँ उसका टेस्ट। मुझे बड़ा पाव वैसे इतना पसंद नहीं है, मिर्ची निकाल ले। कैसे मुँह बना रही है अभी? अब तुम तो भूख लग रही है, कुछ अच्छा खा सकते थे हम। पर ठीक है, ओके ओके, मैंने मुझे भूख ये खाने का मेरा मन नहीं है इसलिए मैं अच्छा लगा, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा। बस अभी हम इसको ख़त्म करके ना घर जाएंगे, फिर पीहू का कमरा साफ करना है, और उसके बाद अगर कहीं निकले तो घूमने तब जाएंगे, नहीं तो घर पर पूरा दिन निकल जाएगा। अभी ये इंटरव्यू के लिए भी जा सकती है ना? यस, अभी इंटरव्यू के लिए भी जा सकती है, पर मैं सोच रही हूँ कि इसे कहीं लेके जाऊँ, आज निकलती नहीं है घर से कहीं। तो बस अभी ब्रश भी नहीं है, मैंने बिना ब्रश के खाया है। जिस दिन निकलना शुरू करूँगी ना, कही कितना घर से बाहर रहती है। अभी जाके बस नहाऊंगी धोऊंगी, फिर देखते हैं कहाँ का अपना बंदा, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, बस सडन ही बनेगा जो बनेगा। पर सबसे पहले इसका कमरा, तो बस चलो इसे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और पीहू का मैं रूम दिखाती हूँ। इसने बोला था मैं साफ करेगी आके, और पीहू का कमरा, ये कमरा है। वो सब ठीक है, अच्छा इस चक्कर में पीहू नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि कमरा बिल्कुल हमारा स्टोर रूम है। बट इस तरह से कौन कपड़े रखता है? ये टेबल हमने घर में काम के लिए ली थी, और इन्हीं में से छान पून के पीहू कपड़े पहन लेती है। हैं हाँ, तो ये कर दोगी तुम आज में, तुम्हें लगता है? सोच तो रही हूँ। कब तक सोचोगी? 2 महीने हो गए, फिर भूल जाऊंगी, फिर फोन आ जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगी, फिर शाम को आऊंगी कमल में घुस जाऊंगी और सो जाऊंगी, फिर कभी और सोचूंगी। हाँ फिर कल सोचूंगी, कल भी फिर यही सीन करूंगी। शर्माओ मत, ऊपर देख के बोलो कुछ, जनता जवाब मांगती है, कब करोगी ये कमरा साफ तुम? है पीहू बोलो जल्दी। भाई भूल जाओ बस, ये दे रही हूँ, ये कमरा साफ नहीं होगा, ये नहीं ही होगा, लिख के दे, मैं लिख के दे रही हूँ। दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, अगला ब्लॉग भी कमरा जरूर दिखाऊंगी, अगर ये कमरा साफ हो गया इसका गारंटी।
तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं कर लूंगी कमरा साफ। बोलो देख रहे हो, चालाक यू आर वेरी चालाक ब्रो। अब देख लो जो भी वीडियो देखेगा वो चैनल सब्सक्राइब करेगा और बढ़ेंगे क्या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भी वो कमरा साफ करेगी, मतलब वो नहीं करेगी तब तक, मतलब नहीं करेगी तब तक।